आरोप जवानों पर आतंकी हमला हुआ, जेल में शूटिंग करते रहे पीएम मोदी। सुरजेवाला ने कहा कि हमले के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नौका विहार करते रहे, उनकी सभाएं नहीं रुकी, उनके मंत्रियों ने शहीदों के ताबूत के साथ सेल्फी ली। देश अभी भी शोक में डूबा है और मोदी सैर सपाटे के लिए विदेश दौरे पर चले गए। पालम एयरपोर्ट पर भी शहीदों के ताबूत पर पीएम मोदी का इंतजार करते रहे, लेकिन वे देरी से पहुंचे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद 7 दिन तक चुप रहने के बाद कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि जब 14 फरवरी को दोपहर में पुलवामा में आतंकी हमले में हमारे 40 जवानों की शहादत हुई तो पूरा देश शोक मना रहा था। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम तक कैबिट पार्क में एक फिल्म की शूटिंग में व्यस्त थे। क्या दुनिया में ऐसा कोई पीएम है? कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि पुलवामा में 3:10 पर हमला हुआ और पीएम मोदी शाम 6:10 में शूटिंग में व्यस्त रहे, जबकि देश हमारे शहीदों के टुकड़े चुन रहा था और पीएम मोदी अपने नाम के नारे लगवा रहे थे। आतंकी हमले के जवानों की शहादत के बाद देश के घरों में चूल्हे तक बंद थे और पीएम मोदी उत्तराखंड के रामनगर के गेस्ट हाउस में चाय और नाश्ता कर रहे थे। यह कहते हुए उन्हें पीएम मोदी को निशाना साधा गया। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना